दोस्तों आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। ये हमारा कार्ड का नंबर है V56 PB 801। इसमें बेसिकली एक स्टैंड बाई की प्रॉब्लम है और इसमें सबसे ज़्यादा स्टैंड बाई की प्रॉब्लम है या ऑन नहीं होना, जो मतलब रेड लाइट पे खड़े होना, या ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर। इसमें मैं आपको इसके कार्ड के वोल्टेज के बारे में भी बताऊँगा और इसके जो एक 1118 जो IC लगा होता है हमारा रेगुलेटर IC, वो सबसे ज़्यादा ख़राब निकलता है, उसके बारे में डिटेल से बनाऊंगा। ये उसका डायग्राम है, ये डायग्राम है। ये अभी हमारा ये स्टैंड बाय में है, स्टैंड बाय में है, तो इसको अब मैं आपको इसकी डिटेल बिल्कुल बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। बेसिकली इसका जो फंडा होता है 1118 IC का, और ज़्यादातर केसों में ये IC वैसे स्टैंड बाय में जब भी हो या मतलब बदल देना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है ये बदलने के बाद ही आगे चलना चाहिए, क्योंकि स्टैंड बाय में ज़्यादातर ये सप्लाई मिस करने की प्रॉब्लम इसमें ज़्यादातर आ जाती है। और इसमें आपको मैं इसका डिटेल से, हमारे पास जो आया अभी ये स्टैंड बाय में खड़ा है, इसकी आपको मैं डिटेल से वोल्टेज बताता हूँ, क्योंकि ये हमारी ये अपनी रेगुलेटर लगा हुआ है अपने, ये 5 वोल्ट, और ये देखो ये 5 वोल्ट का लगा हुआ रेगुलेटर, ये एक अपने इधर छोटी क्वाइल लगी हुई है, वो 4 वोल्टेज 1.2 वोल्टेज होते हैं, 1.6 वोल्ट होते हैं वैसे, और इसकी जो इनपुट सप्लाई है 1118 IC की, ये एक 4 नंबर पे इनपुट सप्लाई है और 1 नंबर इसका ग्राउंड होता है, और 2 नंबर इसकी स्विचिंग वोल्टेज जब आते हैं तो तब ये वर्क करना स्टार्ट होता है। अभी आपको हम दिखाते हैं, अभी हमने ये ऑन किया और अभी देखो एक नंबर ग्राउंड, 2 नंबर पे देखो ये स्विचिंग वोल्टेज आ गए, और 3 नंबर हमारा ग्राउंड है, और 4 नंबर पे इसकी सप्लाई होती है, 4 नंबर पे इसकी सप्लाई है, और 5 नंबर पे ये 3.3 वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज आते हैं। ये मतलब ये फिक्स वोल्टेज तो निकलने होते हैं पहले, और ये 1.8 वोल्टेज हैं, 1.8 वोल्टेज ये आपके 1.8 वोल्टेज तब निकलते हैं जब इसकी 2 नंबर पे स्विचिंग पावर ऑन करने पर स्विचिंग होती है, फिर आते हैं इसके 2 नंबर, फिर इसके 1.8 वोल्टेज निकलते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जो पहले स्टैंड बाय पे इस पर 3.3 वोल्टेज आएंगे, और यही 3.3 वोल्टेज हमारे सीधा फ्लैश IC की 8 नंबर पिन पे पहुंचते हैं। ये कोई फ्लैश IC की 3-8 नंबर पिन पे हमारे 8 नंबर पिन पे पहुंचे, और ये तभी ये वर्क करना स्टार्ट होता है। अगर ये तुम्हारे वोल्टेज सही हैं तो बिल्कुल आपका कार्ड बिल्कुल सही है, यानी कहने का मतलब है। अभी देखो मैं दोबारा आपको फिर इसकी डिटेल वोल्टेज की बता रहा हूँ। ये बड़ी क्वाइल लगी होती है, ये 5 वोल्ट और ये कोर वोल्टेज 1.2 वोल्टेज, और ये हमारे 12 वोल्ट सप्लाई है, और ये हमारी फ्लैश IC की 8 नंबर पिन पे 3.3 वोल्टेज फ्लैश IC, और हम ये इसका जो मैंने पहले सारा इसके डिटेल आपको बताई है, ये इसका डायग्राम है। मतलब ये कहने का मतलब है, आपने कभी भी आपको ये प्रॉब्लम आए स्टैंड बाय की, रेड इंडिकेटर ऑन नहीं होता या स्टैंड बाय में खड़ा हो, तो आपने ये सबसे पहले ये अपने ये IC चेंज करना ही करना है, क्योंकि ज़्यादातर केसों में ये IC वर्क करना बंद कर जाता है या सप्लाई मिस करने लग जाता है, ये सबसे बेस्ट है जब इसके चेंज करना होता है। ओके, थैंक यू। वो हमारा ये सुबह हमारे पास ये एक सेट आया था मदरबोर्ड, हमने वो भी ठीक कर दिया वैसे,
और इसमें हमने ये एक आईसी ही चेंज किया है, 1118 जो 1118 नंबर आईसी है वो चेंज कर दिया। मैं स्टैंड में खड़ा था, रेड लाइट इंडिकेटर था, कभी ऑन होता था कभी नहीं होता था, वो हमने चेंज कर दिया। हमारा सेट ओके हो गया हुआ है अब। ओके, थैंक यू जी।